हेलो फ्रेंड्स, मैं लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है और स्पीड की यूनिट के बारे में पढ़ा था। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की यूनिट्स का कन्वर्जन। एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है फिजिक्स में, फाइन, तो इसे हम अभी सीख लेते हैं। ये किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने में काम आए। तो सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर तो किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आपको पता होगा किलोमीटर को अगर आप मीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के ऊपर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एंड ये भी अगर हम आर को कन्वर्ट करें, 1 आर को, तो कितना आएगा सेकंड में, 3600 सेकंड। अब ये वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है, 5 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5 इंटू किलोमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 मीटर, कितना आ गया, 1000 मीटर। फाइन, अब ये जो आर है वो किसमें है, डिवाइड में है। आर किसमें, किलोमीटर के साथ डिवाइड में, क्या करेंगे हम, डिवाइड, और आर की जगह पे पुट कर देंगे 3600 सेकंड। फाइन, जीरो से जीरो कट, देन 2 से कट किया आपने 5 आया, इसे कट किया 18, तो आपका आंसर कितना आया, 25/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की यूनिट कन्वर्ट हो गई, मीन्स जो आपको 5 किलोमीटर पर आवर है वो किस रेट पर होगा, 25/18 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हो गया, पॉज करके अगर नोट कर रहे तो नोट कर लो। अब हमने एक टाइप का थोड़ा सा देख लिया, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज कन्वर्ट 2 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर। अब यहां पे किसमें कन्वर्ट करना है आपको, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सेम थिंग, सबसे पहले मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर। ये आपको याद होगा कि हमने 4th क्लास 5th क्लास में पढ़ा है यूनिट कन्वर्जन, ये वैसा ही है, वही ऑलमोस्ट है, वहीं से हमने लिया 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। एंड नाउ सेकेंड को कन्वर्ट करना है आपको आर, सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 को लगे 1/3600। फाइन, ये तो गया हमारा एक कन्वर्जन, हमने कन्वर्ट कर लिया एक एक मिनट, बट हमें एक्चुअल में किसे कन्वर्ट करना था, 2 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर। फाइन, अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2 तो सेम रहेगा, नाउ मीटर की जगह पे किलोमीटर, तो मीटर की जगह पे किलोमीटर कितना आ गया, 1/1000 किलोमीटर। फाइन, उसके बाद क्या, सेकंड पर सेकंड है, मतलब डिवाइड सेकंड, तो डिवाइड करके हमने सेकंड से कितना आया, 1/3600 आर। फाइन, सॉल्व करते हैं इसे, 2 इंटू 1/1000 रेसिप्रोकल कर देना, आप मल्टीप्लाई करेगा 3600/1, ये बन गया आपका किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर कैसे बना, ये किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, किलोमीटर पर आर। फाइन, तो सॉल्व करते हैं आगे, इसके इक्वल होगा 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 3600 से, तो वही करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 3600। अब हम नीचे बात करते हैं, नीचे क्या है, 1000 इंटू 1000 इंटू 1। फाइन, अब देखो अगर आप 0 टू 0 कट,
फाइव टू जा टेन, फाइव एटीन, फाइन कितना है, एटीन टू जा 36 अपॉन 5 किलोमीटर पर। ये कन्वर्जन समझ आ गया होगा आपको, आई होप, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, फाइन। बट हम आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि स्पीड मेजर किसमें करते हैं, तो स्पीड को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, अ डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड इज known as speedometer, or we can say कि speedometer is a device। यहाँ पे से ऐसे भी लिख सकते हैं, speedometer is a device used to measure speed। अब एक चीज वो ये कि हम स्पीड को मेजर करते हैं, फाइन, किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड एक्सेट्रा में, और उसके लिए डिवाइस यूज करते हैं स्पीडोमीटर। लेकिन जो स्पीडोमीटर है वो कैसी स्पीड को मेजर करता है, कैसी स्पीड को मेजर करता है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या हमारा कि जो आपका स्पीडोमीटर है वो कैसी स्पीड को मेजर करता है। तो जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपकी कैसे स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, कैसे स्पीड को मेजर करता है, जो आपका स्पीडोमीटर है इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड होगी, मींस सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें मीटर होता है, उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर, फाइन। उसमें आपकी स्पीड जो होगी वो उस पर्टिकुलर सेकंड की होगी, मींस उस पर्टिकुलर टाइम की, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की होगी, फाइन। तो इसलिए हम कैसे स्पीड मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम बात करते हैं एक और डिवाइस होता है आपका जो नॉर्मली यूज होता है स्पीड मेजर करते हैं, दैट इज ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या चीज को मेजर करता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई। ऑडोमीटर क्या काम करता है आपका, कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, फाइन, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आपके, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एवरेज स्पीड। आपकी एवरेज स्पीड क्या है, हमने स्पीड के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। सो सपोज करो एक एग्जांपल से समझते हैं, इसे बहुत इजी है, इस टॉपिक में इतना कुछ खास नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना बस। सपोज करो मैं यहाँ से गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है, फाइन। अब ट्रेन ट्रैवल कर रही है वो हर स्टेशन पे कुछ टाइम के लिए स्टॉप होती है, राइट, ओके, फाइन, उसके बाद वो आगे बढ़ती है। बट अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड सिर्फ कब कैलकुलेट होगी, उसका जो टाइम जो उसने चलने में लगाया, मीन्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रही थी उसमें जो चलने चलने में सिर्फ टाइम लगाया, मीन्स सपोज करो ये आपका ए पॉइंट से आपकी ट्रेन चलेगी, ठीक है, बी एक स्टेशन है, देन सी एक स्टेशन है, देन आपका लास्ट पॉइंट है डी, लास्ट पॉइंट क्या है डी, यहाँ के बीच की डिस्टेंस है आपका 100 किलोमीटर और टाइम कितना था 6 आवर, फाइन। अब यहाँ पे एक ब्रेक लिया 10 मिनट्स, यहाँ पे क्या लिया 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आगे चली
मान लो 120 किलो, कितने आर में, 7 आर में, फाइन। देन आपका क्या लिया, अगेन 10 मिनट तक इस थ्री स्टेशन पे ब्रेक, देन अगेन थ्री स्टेशन पे 10 मिनट का ब्रेक लिया, एंड यहाँ पे डिस्टेंस कवर करती 90 किलोमीटर इन 5 आवर्स में 90 किलोमीटर कवर, फाइन। अब जब हम स्पीड की बात करेंगे, किसकी स्पीड की, स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 100 प्लस 120 प्लस 9 अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 5 आवर्स, तो 6 प्लस 7 प्लस 5, दैट इज, इसे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज आपका ये बन जाएगा 310 अपॉन 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई इसकी स्पीड, फाइन, ये हो गई स्पीड, इसकी स्पीड। अब आप एक चेक करो, यहाँ पे हमने ये जो फॉल्ट है इसको नहीं काउंट किया, वाई, बिकॉज ये जो वोल्ट है ये इसके स्पीड में काउंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इसकी बात ही नहीं की गई, स्पीड में जो होल्ड है, जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी बात नहीं हुई। बट जब हम बात करें एवरेज स्पीड की, किसकी बात कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ पे एक चीज चेक करो आप, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, स्पीड एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है आपकी, एक चीज और याद रखना, एवरेज स्पीड को किस तरह से करते हैं, बी एवीजी, एवीजी मीन्स एवरेज, फाइन। सो टोटल डिस्टेंस कितने का वर्ग है, 100 प्लस 120 प्लस 90, दैट इज 310 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 5 आवर्स प्लस 10 मिनट, कितना हो गया टोटल टाइम, अगर हम काउंट करें टोटल टाइम यहाँ पे कितना होगा, जो आपके 18 आवर्स में होते ही हो गए, 18 आवर्स कौन से हो गए, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 5 आवर्स, फाइन। अब बाकी क्या हुआ, प्लस ये जो 30 मिनट का होल्ड है, 10 मिनट, ये 30 मिनट का होल्ड है, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, फाइन। अब हम आते हैं जो हमारा यूनिट कन्वर्जन हमने सीखा था, क्यों यहाँ पर देखो यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये आर में ये मिनट में, तो कैसे ऐड होंगे, इनको ऐड करने के लिए सेम यूनिट मीन्स रुपीज है आपके पास और पैसा है, क्या ये ऐड कर सकते हैं, नहीं, जब तक कि दोनों सेम यूनिट में ना हो, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इनकी यूनिट सेम करेंगे, कैसे, अब ये कितना होगा, 18 आर, इसको कन्वर्ट करना है मिनट को आर में, मिनट को आर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आर में, फाइन। कितना आया आपका, 18 आर प्लस 3 1 3 2 1/2 एलसीएम लिया 2 36 प्लस 1 37/2 कितना आ गया आपका आंसर, 37/2 टोटल टाइम टेकन कितना आ गया, 37/2 इसे सॉल्व किया आपने, कितना आया, 310 डिवाइडेड बाय 37/2 रेसिप्रोकल कर लिया, 310 इंटू 2/37 दैट इज आपका आ गया 0 2 6 620/37 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या डिफरेंस है, फाइन। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, अब हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस बारे में यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, वैसे ही आपका यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है. मीन्स डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, एंड नॉट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है. अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से समझ आ गया है तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंस आपको क्लियर हो ही जाएगा. सो यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स सेम एग्जाम्पल की कितना टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही. फाइन. तो अगर वो सपोज करो, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, सपोज करो कि आपने एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है, क्या चल रहा है, सेम स्पीड से, मीन्स एट एवरी पॉइंट इसकी स्पीड क्या है, सेम. अगर हम बात करें इस लाइन की, एक सपोज करें एक पार है, एक कार ट्रेवल हो रही है, ठीक है, उसके हर पॉइंट पे स्पीड क्या है, इक्वल आ रही है. यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी, इट डजंट मैटर कितनी है. सपोज करो 5 किलोमीटर पर आ, फाइन, तो यहाँ पे भी 5 किलोमीटर पर आ, तो एट एवरी पॉइंट अगर वो सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी व्हीकल है वो सेम स्पीड से जा रहा है, मीन्स एट एवरी सेकेंड उसकी स्पीड क्या है, सिमिलर, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड. और अगर सिमिलर नहीं है, सपोज करो क्या होगा, यहाँ पे उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, देन चेंज हो गई 5 किलोमीटर पर आ रहा, देन चेंज हो गई 7 किलोमीटर पर आ रहा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. जब स्पीड चेंज होगी तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और जब स्पीड जो है कॉन्स्टेंट रहेगी तो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड. आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू.